अब मैं आपको रिटायरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वैसे तो हम एडमिशन के टाइम पे अच्छी तरीके से कर सके हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सो एग्जैक्टली सेम रूल्स है। अब मैं आपको एक बार इसको डायरेक्ट सम से ही स्टार्ट करवाता हूँ। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसके दो केसेस हैं। लेट्स हैव अ लुक हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। बेसिकली हमें उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, वो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोस। हमें लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल दी हुई है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स एंड गुडविल दिया। अब वो कह रहे हैं जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब जेड हो गया रिटायर, सो बेसिकली हमें इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ भी ना दिया हो सो देयरफॉर एक्स एंड वाई का जो न्यू रेशियो है वो भी इक्वल ही होगा। अब उन्होंने हमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज दी हुई हैं और एट द एंड गुडविल की दी है, और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पास जनरल एंट्रीज, गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। सो सबसे पहले तो हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक बार मैं आपको अगेन बता देता हूँ, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। सो सबसे पहले वो कह रहे हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट 580। देखो जो पुरानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4 लाख की है, अब वो कह रहे हैं उसको 580 पे वैल्यू करो, यानी 1,80,000 से इंक्रीज करो। जब भी कोई भी एसेट इंक्रीज होता तो वो क्रेडिट साइड पे आता, सो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय 1,80,000 से उसको इंक्रीज करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स भी वैल्यूड एट 47,000। देखो इन्वेस्टमेंट 50,000 की, वो कहते हैं उसको 47 पे लेके आना, यानी 3,000 से रिड्यूस करना, वो इधर आ जाएगी। जब भी एसेट रिड्यूस होता है डेबिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टॉक्स भी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक 1,00,000 का 94 पे लेके आना, यानी 6,000 से रिड्यूस करना, वो भी डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट 6,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ 5% भी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो डेटर्स हमें 2,00,000 के दिए हैं, उस पर 5% की हमें प्रोविजन बना लिए, डेट इज 2,00,000 में 5% 10,000। अब हम लायबिलिटी इंक्रीज करें सो इधर आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेट इज फॉर 10,000। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस, यानी ट्रेडमार्क्स 20,000 से उनको हमें रिड्यूस करना, जब एसेट रिड्यूस होता है इधर आ जाएगा टू ट्रेडमार्क्स, डेट इज फॉर 20,000। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। देखो 12,000 का अमाउंट क्रेडिटर्स में वो कभी अब क्लेम ही नहीं होगा, यानी हमें हमारा इसको चाहे तो ऐसे समझ लो एसेट इंक्रीज हो रहा है, और चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही, सो इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, डैट इज फॉर 12,000। सो इससे हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करते हैं टोटल, सो 1,80,000 प्लस 12,000 इट विल बी 1,92,000 इधर आ गया। सो सिमिलरली 1,92,000 इधर आ गया। 1,92,000 में से 3,000 एक, माइनस 6,000, माइनस 10,000, माइनस 20,000, सो 1,53,000 का प्रॉफिट आ गया ऑन रीवैल्यूएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, इनमें तीनों में इक्वली डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 51,000। सो अब हम बनाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट। सो डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। बेसिकली उसका फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। सो सबसे पहले हम अपना बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, यानी हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। हमें बैलेंस शीट में क्या गिवन है, हमें जनरल रिजर्व गिवन। सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इट विल बी 3,00,000,
2 लाख एंड 2 लाख ओके। उसके बाद हमें जनरल रिजर्व दिया, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में इक्वली, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 20,000 ईच ओके। नेक्स्ट हमें, अब हम अपना रीवैल्यूएशन चेक करते हैं, जो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, क्योंकि इसके अलावा हमें बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया। अब हम अगर रीवैल्यूएशन में चेक करें, हमें प्रॉफिट आया था रीवैल्यूएशन में, दैट इज 51,000 ईच, वो ट्रांसफर हो जाएगा 51,000 ईच, दैट इज बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ओके। जनरल रिजर्व हो गया, बैलेंस हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उन्होंने हमें गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, वो क्या कह रही है, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट्स हमें, हमने गुडविल को वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करनी है। सो उसके लिए सबसे पहले हम गुडविल फर्म की निकालेंगे। देखो हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, 2018 का हमें 1,20,000 दिया है, 2019 का हमें 1 लाख दिया है, 2020 का हमें 95,000 दिया। इन 3 सालों का एवरेज निकाल लेते हैं, 120 प्लस 1 लाख प्लस 95,000 यानी 3,15,000 इनका टोटल आ गया, और जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे डैट विल बी 315 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1,05,000 के ओके। अब गुडविल को वैल्यू करना है एट 1 ईयर्स परचेज, यानी बेसिकली गुडविल आ जाएगी फर्म की एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 इंटू 1, दैट इज 1,05,000। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो बेसिकली जेड अब रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर कितने शेयर के लिए हो रहा है, इक्वल था वो यानी 1/3, देयरफॉर जेड्स शेयर ऑफ गुडविल 1,05,000 इंटू 1/3, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 3, 35,000 का शेयर आ गया गुडविल का। अब देखो जैसे एडमिशन में हम गुडविल जो न्यू पार्टनर था वो लेके आ रहा था, यहाँ पे हम गुडविल की पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट की जाएगी इन द गेनिंग रेशियो। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो एज इट इज़ हमारे पास न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, उनका उनका ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो। सो इट विल बी एक्स का जो न्यू शेयर है डेट इज 1/2, उसमें से उसका पुराना 1/3 माइनस कर दे, इट विल बी 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 3, 2 यानी 1/6। और वाई का जो न्यू है वो 1/2 है, उसका ओल्ड है 1/3, इट विल बी 6 × 2 = 3, 3 = 2 यानी 1/6, यानी बेसिकली एक्स और वाई ने इक्वली गेन किया है। सो अब देखो यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज के लिए पास की जाती है वो है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये दोनों गेनिंग रेशियो में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल है टोटल उसकी 35,000 की, 35,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17,500 इधर आ गया, 17,500 इधर आ गया। सो अब इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 35,000 से। सो आएगा क्या, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, बेसिकली 17,500 और इधर एक्स इधर आ जाएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, एक्स दे रहा है 17,500 ओके। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक ना बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल किया, उसको भी राइट ऑफ करना है। सो उसकी एंट्री इधर आ जाएगी टू गुडविल अकाउंट। सो डैट इज 33 को अगर हम 3 से, इट विल बी 11,000 ईच। सो 11,000 ओके। सो हमने सारी की सारी एंट्रीज डाल दिया, अब हम इनका करते हैं बैलेंस। सो बैलेंस करके देखते हैं किस पार्टनर का कितना बैलेंस, बेसिकली कंटेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस आएगा, और जो रेस्ट ऑफ का जेड है उसका हम उसका लोन अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। सो एक्स का देखते हैं, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000
इट इज 3,75,000 इधर, इधर भी 3,71,000, 3,71,000 में से 17,500 एक, 11,000 एक, सो 3,42,500 ये एक्स का आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। अब हम वाई का चेक करते हैं, 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000, सो 2,71,000 इधर, 2,71,000 इधर आ गया, 2,71,000 माइनस 17,500 एक माइनस 11,000 एक, यानी 2,42,500 इसका आ गया। और जो हमारा जेड क्या है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, 2,00,000 प्लस 20,000 प्लस 51,000 प्लस 17,500 प्लस 17,500, यानी इधर आ गया 3,06,000, 3,06,000 में से हम 11,000 कर देंगे माइनस, सो 2,95,000 का इधर आ जाएगा टू जेड्स लोन, यानी कि हमने जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देनी है उसको हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एट द एंड हम बनाएंगे अपनी रीवैल्यूड बैलेंस शीट। सो रीवैल्यूड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। सो बेसिकली इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ, चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, डैट इज बैलेंस शीट, ओके, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ओके। सबसे पहले तो अब हम चेक करते हैं, अब हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ में खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अगर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करें तो उसमें जो रिवैल्यूड वैल्यूज हैं वो हम सभी शो करेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले अगर हम चेक करें तो हमें अगर गिवन है, देखो अपनी पुरानी बैलेंस शीट में अगर देखें हमें क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स में से हमने 12,000 का अमाउंट रिड्यूस किया, क्रेडिटर्स पहले 1,09,000 में थे, अब उनमें से 12,000 चला गया, सो इट विल बी ऑफ नाउ 97,000 क्रेडिटर्स, 97,000 के। नेक्स्ट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, बींग अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, सो 20,000। उसके बाद आ जाएंगे कैपिटल्स, सो कैपिटल्स की अगर हम बैलेंस करें, अब हमारे पास दो पार्टनर बचे हैं एक्स एंड वाई, उनकी अगर हम कैपिटल अकाउंट में चेक करें तो बैलेंस विल बी 3,42,500, इनका आप टोटल कर देंगे 3,42,500, इट विल बी 5,85,000। उसके बाद हमने जो जेड का लोन बनाया वो भी इधर आ जाएगा, जेड्स लोन दैट इज फॉर 2,95,000, ओके। अब हम अपनी एसेट साइड पे चेक करते हैं, हमें कैश इन हैंड है, सो कैश इन हैंड का कोई भी हमारा कैश आया और गया नहीं, सो उसकी एग्जैक्ट 86,000 की एंट्री आ जाएगी। डेटर्स के लिए हमने एक प्रोविजन बनाई थी, डेटर्स का पुराना अमाउंट था 2,00,000, उसमें से हम उसकी जो हमने प्रोविजन बनाई थी उसकी वैल्यूएशन थी डेट इज 10,000 लेस प्रोविजन 10,000, सो इधर आ गया 1,90,000, ओके। उसके बाद हमें स्टॉक दिया था, स्टॉक हमारे अब स्टॉक की जो वैल्यूएशन थी डेट इज टू बी डन है 94,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को 45,000 करना था, सो इधर भी 47,000। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमें 580 पे लेके जाना था, सो 580, ओके। नेक्स्ट ट्रेडमार्क्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अगर हमने रिवैल्यूएशन की चेक करें, इन्वेस्टमेंट का भी कर दिया, स्टॉक का भी कर दिया, प्रोविजन का, ट्रेडमार्क्स का भी कर दिया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्रेडिट, सो हमने हर चीज़ का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम इसका करते हैं टोटल, सो 97,000 प्लस 20,000 प्लस 585 प्लस 295, सो 9,97,000 इधर आ गया, ओके। सो इधर भी 86,000 प्लस 190 प्लस 94,000 प्लस 47,000 प्लस 5,80,000, सो इट इज 9,97,000। सो हमारा बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड्स पे टैली कर गया, सो हमारा सम एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब उन्होंने इस सम में कहा था यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज, सो हम जर्नल एंट्रीज पास ऑन कर देते हैं। सबसे पहले तो देखो जो आइटम्स अपीयर हो रही हैं बैलेंस शीट में उसकी एंट्रीज डाल देते हैं। सबसे पहले जर्नल रिजर्व था, उसकी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें टू एक्स
कैपिटल अकाउंट टू वाइज, कैपिटल अकाउंट टू जेड्स, कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व 60,000 का था, इक्वली इट विल बी 20,000 ईच, 20,000, 20,000 एंड 20,000, ओके। नेक्स्ट उन्होंने गुडविल दी हुई थी, गुडविल को भी राइट ऑफ कर देते हैं, उसकी एंट्री डाल देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का हमें अमाउंट 33,000 का दिया हुआ था, सो 11,000 ईच, ओके। अब हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करते हैं, जितनी भी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज थी वो सभी डाल देते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी डेबिट साइड की एंट्री थी उनको इकट्ठा ही मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमें दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रोविजन, ट्रेडमार्क्स, इनको इकट्ठा ट्रांसफर कर लेते हैं। जनरल विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट टू ट्रेडमार्क्स अकाउंट, ओके। सो इनके अमाउंट इट विल बी 3,000, 6,000, 10,000 एंड 20,000, इसका टोटल कर लेते हैं, डेट विल बी 20 प्लस 6 प्लस 3 9 30 39,000 इट विल बी टोटल, ओके। इससे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें जो क्रेडिट पे साइड में एंट्रीज हैं, डेट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 180 एंड 12,000, यानी इसका टोटल 192, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 192,000। अब हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेते हैं, इट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 51,000 ईच, यानी 153,000 का आया था, 51,000। नेक्स्ट हमने गुडविल की एंट्री पास की थी, वो ऑलरेडी हमने पास की हुई है, सो एट द एंड जो हमका जेड का कैपिटल था, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, हमने उसका बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया फॉर 295। सो इससे ये सम हो गया कंप्लीट। सो इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। वो हमें स्टेटमेंट में कह रहे थे बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोस। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो उनके कैपिटल्स में जो उनके कैपिटल्स है, डेट इज 45,000, 30,000 एंड 15,000, यानी बेसिकली 15 ones, 15 twos and 15 threes, यानी 3-2-1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कैपिटल्स दी हैं, बैंक बैलेंस, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स। वो कह रहे हैं सी रिटायर्स ऑन दी अबव डेट, अब सी है जो रिटायर हो रहा है, सो बेसिकली सी रिटायर हो रहा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सो, देयरफॉर ए और बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा डेट विल बी 3:2 ओनली। नेक्स्ट उन्होंने हमें रिवैल्यूएशन का सब कुछ कहा हुआ है, सो अब सबसे पहले वो कह रहे हैं प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सो सबसे पहले तो हमें बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट, इधर पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, ओके। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा फिक्स्ड एसेट्स भी रिड्यूस्ड बाय 10%, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें हमें 10% से रिड्यूस करना है। जो फिक्स्ड एसेट्स हमें 50,000 के दिए हुए हैं, यानी 50,000 का 10% इधर आएगा टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी हमें उन्हें 5,000 से रिड्यूस करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड एट 10,000, देखो 12,000 इन्वेस्टमेंट अब 10 पे आ गई, यानी 2,000 से रिड्यूस होगी टू इन्वेस्टमेंट 2,000। आगे वो क्या कह रहे हैं, डेटर्स फॉर ऑल गुड, अगर डेटर्स गुड है जो इन्होंने प्रोविजन बनाई है उसको हम खत्म कर देंगे, वो बेसिकली इधर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर
फॉर डाउटफुल डेट्स डेट इज 1000. ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 600, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इधर आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 से इंक्रीज हो गए. नेक्स्ट वो कह रहे हैं इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रू होगा, यानी वो हमारा एसेट अनरिकॉर्डेड वो इधर आ जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट 1800. नेक्स्ट वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 9000. सो इससे हमारा रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब हम इसका टोटल कर देते, इधर आ गया 5000 प्लस 2000 प्लस 600, यानी 7600 इधर आ गया. ओके, इधर भी 7600, 7600 से माइनस 1000 माइनस 1800, यानी कि 4800 का लॉस आ गया ऑन रिवेल्यूएशन, यानी बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. अब हमारे पास पार्टनर्स हैं, डेट इज ए बी और सी, 3:1 का रेशियो, 3+2, 5+1, 6, 4800 डिवाइडेड 6, इट विल बी 800, 1600 एंड 800 इंटू 3 यानी 2400. सो दैट आर आवर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने हमें गुडविल दी हुई है फॉर्म की. सो गुडविल बेसिकली जो फॉर्म की है दैट इज 9000. अब यहाँ पे हम सी का शेयर निकाले थे, देयरफॉर सी इज शेयर That will be 9000 into 1 upon 6. So 9000 divided by 6, 1500 का C का शेयर आ गया. अब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे सम में. गेनिंग रेशियो देखो, A का गेन कितना, A का न्यू रेशियो 3/5, A का पुराना रेशियो 3/6. So it will be 35, 6 are 6, 3 are 18, 6 5 are 5, 3 are 15, basically 3.30. और B का जो न्यू रेशियो 2.5, उसका जो पुराना है 2.6. सो 35, 6, 6 to 12, 6, 5, 5 to 10, इट विल बी 2/30. सो 3:2 का उनका गेनिंग रेशियो आ गया. सो गेनिंग रेशियो में हम गुडविल की जर्नल पास ऑन कर देते हैं. जो गेन कर रहे हैं वो उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट, और जो रिटायर है उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. सो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर हो रहा सी टू सी कैपिटल अकाउंट. 1500 की उसकी गुडविल है, 3:2 में अगर उसको डिवाइड कर दें बाय 5, इट विल बी 3 3 ज़ा 900, 3 2 ज़ा 600. सो इसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में पास ऑन कर देंगे. अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट. सो लेट्स, सबसे पहले तो हम उसका फॉर्मेट बना लें, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर, ओ सॉरी पर्टिकुलर. अब हमारे पास तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी. मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बनाने लगा था फॉर्मेट. सो इधर आ जाएगा, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000, 30,000 एंड दैट इज 15,000. नेक्स्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस का लायबिलिटी साइड पे दिया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज 15,000, 3:1 का रेशियो. सो 15,000 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 2500. सो 5,000 एंड 7500. ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया. सो डायरेक्ट अब रिवैल्यूएशन का लॉस 2400, 1600 एंड 800 ट्रांसफर हो जाएगा. 2400, 1600 एंड 800 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, अब उसके बाद हम गुडविल की ओर ट्रांसफर करेंगे. सो बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट. सो जो अमाउंट था डेट वॉज 900 एंड 600, सी को क्रेडिट हो जाएगा 900 एंड 600, और इधर 900 एंड 600 टू सी कैपिटल अकाउंट. सो हमने सारी एंट्रीज डाल दी. अब हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को करते हैं बैलेंस. सो 45,000 प्लस 7500, 52,500 इधर, 52,500 इधर, उसमें से माइनस 2400 माइनस 900, 49,200
इधर आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन. अब बी का इट विल बी 35,000, इधर भी 35,000, 35,000 माइनस 1600 माइनस 600 इधर आ गया 32,800. ओके, अब जो सी का उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 15,000, 2500, 900, 600. सो इट विल बी 19,000. सो 19,000 में से 800 गया माइनस 800, इट विल बी 18,200 टू सीज लोन अकाउंट. ओके, बेसिकली हम उसको डायरेक्ट पेमेंट भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके सम पे. सो यहाँ पे जो पेमेंट उसको हमने 18,200 के देने से, बट हमारे पास बैंक बैलेंस 16,000 का, सो हमने उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दिया. अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, सो इधर आ जाएगा लायबिलिटीज, इधर रुपीस, इधर एसेट्स और इधर भी रुपीस. ओके, सो अगर हम चेक करें, सबसे पहले हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं. देखो अगर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करें, सन्ड्री क्रेडिटर्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो, सो एज इट इज आ जाएंगे 20,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स, 20,000. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने इंक्रीज किया था बाय 600, सो इट विल बी नाउ ऑफ 2600. प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब आ जाएंगे कैपिटल्स ए और बी, इट विल बी 49,200, 32,800. सो 49,200 प्लस 32,800 इट विल बी ऑफ 82,000. और सी का लोन अकाउंट, सी इज लोन अकाउंट दैट इज ऑफ 18,200. ओके, अब एक्सेट साइड पे बैंक बैलेंस है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, सो एज इट इज आ जाएगा 16,000 का. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स थे, सन्ड्री डेटर्स पे हमने प्रोविजन को ख़त्म कर दिया, सो नाउ वो पूरे 15,000 के आ जाएंगे. स्टॉक था, स्टॉक का हमारी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, सो इट विल बी 35,000 एज इट इज. इन्वेस्टमेंट हमारी 10,000 पे अब रीवैल्यू थी, सो यहाँ पे आ जाएगा 10,000. फिक्स्ड एसेट्स को हमने 10% से रिड्यूस किया, सो 5,050 की बजाय अब आ जाएंगे 45,000 के. अब हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लेते. देखो हमने फिक्स्ड एसेट्स का भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन. अब एक्रूड इंटरेस्ट 1800 का था, वो एसेट है, वो इधर आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट 1800. अब हम इसका करते हैं टोटल, 20,000 प्लस 2600 प्लस 82,000 प्लस 18,200 यानी 1,22,800 इधर. सिमिलरली 16,000 प्लस 15,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 1800 और 1,22,800 इधर. सो इससे हमारा सम कंप्लीट हो गया. होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है रिटायरमेंट के टाइम पे. थैंक यू.